सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2023 का ये फर्स्ट और पहला डेडिकेटेड वीडियो है। तो अब से 2023 के लिए पूरा जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं और अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी पूरी गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो तो यार चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, ताकि जो है 2023 एस्पिरेंट के लिए के पास पहुंचे और उनको भी कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी 2023 का जैसा कि आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपका सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या क्या चेंजेस आए सिलेबस में, क्या क्या जो है बदलाव हैं, क्या पैटर्न वाइज क्वेश्चन आएंगे, क्या जंबल आएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, सारा चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसे स्टार्ट करने से पहले हमने एक बैच लॉन्च किया है दिशा 2023, ये पूरी महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी है और अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी है। तो आपको दोनों में से किसी में भी अगर ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप जरूर से जरूर हमसे जुड़ सकते हो। क्योंकि 2022 में जितने बेनिफिट्स उठाए थे, आपको पूरा जो है पॉडकास्ट डाला हुआ है यूट्यूब पे, अगर नहीं वहाँ पे नहीं देख पा रहे हो तो इंस्टाग्राम में चले जाओ, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया गया, राहुल_1_कुमार, वहाँ पे स्टोरी भी हमने रखी है, आप देख सकते हो उन्होंने क्या क्या बोला है एमसीए ज्ञान चैनल के बारे में। तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ऑफिशियल साइट पर, महाराष्ट्र सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए। नीचे अगर आप आओगे तो ये सिलेबस डिक्लेयर हुआ है आज, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले ये देखिए, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर महाराष्ट्र एप्लीकेशन एमसीए सीईटी 2023। द ऑनलाइन सीईटी कंप्रोमाइज 4 सेक्शंस, जैसा कि पता है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कंप्रेंशन एंड वर्बल एबिलिटी और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के आते हैं। इसमें टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो ये सब चीज़ पता ही आपको पहले से। अगर आप महाराष्ट्र सीटी के लिए फोकस कर रहे हो तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर अर्थमेटिक, बेसिक सेट थ्योरी और लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका सीरीज वाले क्वेश्चंस, फिर अल्फाबेटिकल वाले, तो रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, फिर इंग्लिश के लिए पैसेज वाले आते हैं और कंप्यूटर में मेमोरी हो गया, डाटा रिप्रेजेंटेशन, फिर ट्रुथ टेबल, फिर बुलियन अलजेब्रा और फिर जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ तो मैं करवाऊंगा ही उस बैच में, कंप्यूटर के पूरे पूरे जो है कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूरा होगा ही। कंप्यूटर का आपको नोट्स मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा उस बैच में। तो ये सिलेबस रही। आगे हम एक दो दिन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर्स के आते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट मैं बताऊंगा 2021 और 2022 को लेकर के। तो अभी एक ओवरऑल सिलेबस की वीडियो है, जैसा कि आज डिक्लेयर हुआ है, तो हमने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। 2023 वाले कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये भी पता चलेगा। उस बैच में भी हमने 50 स्टूडेंट के लिए जो है 50% डिस्काउंट रखा है, उसमें से 10 से 12 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं अभी भी। अब फास्ट अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन हो और 50% का डिस्काउंट का वो बेनिफिट ज़रूर उठाओ। तो ये मार्किंग स्कीम है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन, 60 मार्क्स के इधर हो गए, रीजनिंग के 30 मार्क्स, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के 20, और कुल टोटल जो मार्क्स है वो 200 का होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको पता ही है नो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी है, पिछले बार भी नो नेगेटिव मार्किंग था, इस बार भी नो नेगेटिव मार्किंग है। तो कट ऑफ इस बार भी बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। जितने भी मैं पॉडकास्ट डाल रहा हूँ वो पॉडकास्ट ज़रूर देखो, क्या उन्होंने गलती किया, क्या उनके साथ किस तरीके से जो वो प्रिपरेशन किए और किस जो जो गलती उन्होंने की थी, वो गलती को नहीं दोहराना आप लोग। तो आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखो जा कर के, तो आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा ही उससे। तो बस ये वीडियो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ जुड़ना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप फुल्ली उसमें ज्वाइन हो सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होगा मैं उसमें रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अभी से ही आप ज्वाइन हो, पूरी एडमिशन प्रोसेस तक गाइडलाइंस पूरी दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।